हेलो फ्रेंड्स, रे फैशन में आपका स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और साथ ही फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। फ्रेंड्स, आज हम पोर्टेबल स्विंग मशीन में धागा डालना सीखेंगे। ये देखिए, ये पोर्टेबल स्विंग मशीन है और इसको हम कहीं पर भी इजीली कैरी कर सकते हैं, यानी कि हम सफर में इधर उधर ले जा सकते हैं। तो आज हम इसमें धागा डालना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप इस मशीन में धागा डालें तो इसका पावर स्विच लॉक कर दें। ये देखिए, इस तरह से इसका पावर स्विच लॉक होता है और इस तरह से ये अनलॉक होता है। तो हम इसका पावर स्विच लॉक कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बोबिन लगा देते हैं। आप बोबिन भी लगा सकते हो, ये भी, और ये स्पूल भी लगा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ये स्पूल इसमें नहीं लगता है क्योंकि इस स्पूल पिन छोटा है और इस स्पूल की लंबाई ज़्यादा है। तो इसमें इसी साइज की स्पूल लगेगी या फिर ये बोबिन लगेगी। तो मैं आपको बोबिन लगाना बता देती हूँ। बोबिन लगाने के लिए देखिए, ये स्प्रिंग है और ये स्पूल पिन है। पहले आप ध्यान रखें, इस बोबिन को इस तरह से, ये धागा ऊपर होना चाहिए इस तरह से। ये देखिए, ऊपर से ऐसे ऐसे खुलना चाहिए। इसमें हम इस पिन को ऐसे डालेंगे और इस स्प्रिंग को हम इसमें ऐसे डाल देंगे। देखिए जो यहाँ पे, ये देखिए, ये होल दिखाई दे रहा है, इसमें हम इसको लगा देंगे। इसको आपको इस तरह से दबाना है, पुश करना है। और ये जो इसमें स्पूल पिन दिया है, ये इस बड़ी वाली स्पूल के लिए दिया है। तो अब मैं आपको पहली स्टेप बता देती हूँ इसमें। ये देखिए, धागा ऐसे ऊपर से आना चाहिए ऐसे। सेकंड स्टेप है, ये जो थ्रेड गाइड है, इसमें हम धागा नीचे की तरफ से डालेंगे, इधर से ऐसे, इस तरह से। और थर्ड स्टेप है ये थ्रेड टेंशन यूनिट। ये देखिए, इसको हम थ्रेड टेंशन यूनिट बोलते हैं। ये देखिए, ये दो प्लेट है, ये देखिए, ये दो प्लेट है, इसके बीच में ये धागा जाना चाहिए। इसमें आपको धागे को लपेटना नहीं है, इसमें ओनली आपको इस तरह से धागे को पास करना है। अब चौथी स्टेप है, यहाँ नीचे जो एक और थ्रेड गाइड दे रखा है, ये देखिए, यहाँ पे इसमें हम धागा डालेंगे इस तरह से। ये देखिए, धागा इधर आ गया है, ऐसे डालना आप। फिफ्थ स्टेप है नीडल में धागा डालना। अब हम नीडल में धागा डालेंगे। इसके लिए ये हमने नीडल थ्रेडर लिया है और ये मशीन के साथ भी आता है और बाजार से आप अलग से भी इसे खरीद सकते हैं। तो इसमें धागा डालने के लिए, ये देखिए, इसको आप आगे से डालना है इस नीडल आई होल में। अब आपको इस धागे को लेके, ये जो वायर का लूप बना है, आपको धागा इसके अंदर डालना है। ये देख, और इधर पकड़ के इसको आपको इस तरह से वापस खींच लेना। ये देखिए, धागा डल गया है और बहुत ही आसानी से धागा डल जाता है। और धागे को आप इतना करीब करीब 2 इंच धागे को आप बाहर निकाल ले इस तरह से। इस तरह से पोर्टेबल सिलाई मशीन में धागा डालते हैं। यदि आपको स्टिच करने का वीडियो देखना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये मशीन आपको डेमो देने के लिए खरीदी है, लेकिन अगर आपको इसी तरह की पोर्टेबल मिनी स्विंग मशीन चाहिए तो आप ब्रांडेड स्विंग मशीन ले, और ये ज्यादा, वैसे ज्यादा, बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है। फ्रेंड्स, यदि आपको सिंगर कंपनी की पोर्टेबल मशीन खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाकर खरीद सकते हैं। इस तरह की मशीन को हम मोबाइल मेंडिंग मशीन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।